अमरीकी खारजा कमेटी में पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक समात 20 मार्च को होगी। डोनाल्ड लू पर इल्जाम झूठे हैं, पहले भी तरदीद कर चुके हैं। अमरीकी सफारतकार को धमकी संजीदगी से लेते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कांग्रेस में गवाही को जिम्मेदारी समझते हैं। मैथ्यू मिलर का भारत में शहरियत से मुतालिक कानून पर इजहार तशवीश। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF के नए और सख्त मुतालबात। बिल में चोरी खत्म की जाए, पावर प्लांट्स को मुकामी गैस की फराहमी बंद करें। FBR में डिजिटलाइजेशन का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। मालियाती इदारे का अजनास की कीमतों में इजाफे पर भी तशवीश का इजहार। वजीर खजाना और टीम ने मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग दी। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इत्तेफाक। ज़राअत, दुकानों और रियल इस्टेट सेक्टर से भी टैक्स वसूल करेंगे। FBR की यकीन दहानी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, दरख्वास्तें खारिज। पेशावर हाईकोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का मुत्तफिका फैसला। PTI का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। 15 से 20 इदारों की फौरी निजकारी होनी चाहिए। PIA को 5 साल में 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ, ऐसे इदारों का फौरी फैसला करना होगा। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं स्टील मिल्स के मसले का भी फौरी हल निकालना है। इजलास की भी सदारत। कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। हसन और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर। जज ने दामी वारंट मंसूख कर दिए। फ्लैगशिप अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेज में जमानत मंजूर। बरियत की दरख्वास्तों पर नैब को 15 मार्च के लिए नोटिस जारी। हुसैन नवाज बोले उन्होंने कभी नहीं कहा वो पाकिस्तानी शहरी नहीं, उनके पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का पासपोर्ट नहीं। मुल्तान के इलाके शाहरुखने आलम में प्रॉपर्टी डीलर के घर डकैती। डाकू 1 करोड़ से जायद मालियत के जेवरात और नकदी लूट कर फरार। पुलिस ने CCTV की मदद से तलाश शुरू कर दी। और HBL PSL 9 मुल्तान सुल्तान्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। क्वालिफायर में पेशावर जलमी को 7 विकेटों से शिकस्त। 147 रन का हदफ 9 गेंदे पहले ही हासिल कर लिया। एलिमिनेटर 1 आज क्वेटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद के